सो दोस्तों अभी के टाइम पे यहाँ पर जो भी क्रिएटर यूट्यूब पर आ रहा है दोस्तों वो यूट्यूब पर यही सर्च कर रहा है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे लाए, चैनल ग्रो कैसे करें। दोस्तों ये आपने देखा हो यहाँ पर, अगर आपका भी एक नया यूट्यूब चैनल है तो भाई आप भी यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करते हो कि सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाए, सब्सक्राइबर बढ़ाने वाली ट्रिक, सब्सक्राइबर बढ़ाने वाला दोस्तों ऐप, इस तरीके से आप सर्च करते हो यूट्यूब पर दोस्तों यहाँ पर। हालांकि दोस्तों जब हमने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल तो दोस्तों हम भी इस तरह की ट्रिक को सर्च करते थे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो। भाई यहाँ पर टेंशन मत करना, मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में किस तरीके से आप अपने सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका भी नया यूट्यूब चैनल है दोस्तों तो आप भी अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाकर दोस्तों अपनी व्यूज ला सकते हैं यहाँ पर, और वॉच टाइम भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और इस ट्रिक को करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको तीन ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि तीनों ट्रिक को दोस्तों आपको जरूर जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आपका एक नया यूट्यूब चैनल है तो। भाई अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, यहाँ पर व्यूज लाना चाहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई इन तीनों ट्रिक को जरूर जरूर अप्लाई करना चाहिए आपको। तो चलिए अब यहाँ पर करने क्या है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखो ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, व्यूज लाना चाहते हैं, वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल भी टेंशन मत करना, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि तीन ट्रिक होती हैं दोस्तों, यही आपकी मेन ट्रिक होती है जो कि दोस्तों आपको जरूर जरूर इन तीनों ट्रिक को फॉलो करना चाहिए दोस्तों। अब किस तरीके से यह काम करेगी दोस्तों, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर वहाँ पर मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूँ आप लोगों को ठीक तरीके से, तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक देखें दोस्तों, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। सो दोस्तों आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने सब्सक्राइबर को इंक्रीज कर सकते हैं, वीडियो को वायरल भी कर सकते हैं दोस्तों इन तीनों ट्रिक की मदद से, और व्यूज़ भी ले सकते हैं। भाई दोस्तों जैसे कि हमारे कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है दोस्तों, तो दोस्तों उसके पीछे जैसे हमारे सारे के सारे वीडियोज़ रैंक करने लगते हैं भाई, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम अपनी एक वीडियो को वायरल करना चाहते हैं भाई, तो एक वीडियो किस तरीके से वायरल करेंगे दोस्तों, उसी के पीछे हमारे सारे के सारे वीडियो वायरल होंगे। और जैसे हमारे कोई भी दो एक दो वीडियो वायरल हो जाते हैं भाई, तो हमारा अच्छा खासा व्यूज़ आने लगता है वीडियोज़ पर दोस्तों, ताकि हमारा व्यूज़ आ रहा था दोस्तों पर वीडियो पर 30-40-50 व्यूज, वहीं पे दोस्तों हमारा यहाँ पर 200-400-500 इतना व्यूज आने लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों ट्रिक क्या है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको करने का दोस्तों, तो सबसे पहले स्टेप में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया दोस्तों, यहाँ पर एक्सपोर्ट यानी कि दोस्तों आपने किसी भी चीज़ से एक्सपोर्ट किया वीडियो को एडिट, यानी कि दोस्तों आप काइन मास्टर से भी वीडियो को एडिट करते होंगे दोस्तों जहाँ तक की उम्मीद है, और काइन मास्टर से नहीं करते भाई आपको पावर डायरेक्टर से अपनी वीडियो को एडिट करते होंगे दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों आप अपनी वीडियो को एडिट करते समय अपने डोमेन नेम को नहीं चेंज करते दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखी है दोस्तों। तो सबसे पहले स्टेप में दोस्तों इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई अपने वीडियो का रीनेम जरूर जरूर चेंज करें दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ दोस्तों, और इस वीडियो को दोस्तों मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, यानी कि दोस्तों मैंने एक्सपोर्ट कर दिया दोस्तों इस वीडियो को, जो कि आप देख भी सकते हैं ये मेरा जो वीडियो दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। अब दोस्तों यहीं पे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनटाइटल लिखकर आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ जहाँ तक कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अनटाइटल आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसका रीनेम नहीं चेंज किया दोस्तों। तो सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को रीनेम जरूर जरूर चेंज करना है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और जो देख सकते हैं यहाँ पर अनटाइटल दोस्तों, तो दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है दोस्तों, आपका वीडियो नहीं रैंक करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अनटाइटल की जगह दोस्तों आपको वही टाइटल यहाँ पर डालना है जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा जो वीडियो बना हुआ था दोस्तों सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। अब इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख कर ओके पर क्लिक किया, जैसे ओके पर क्लिक किया दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो टाइटल है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों यहाँ पर अन टाइटल को यहाँ पर चेंज करना है, यानी कि दोस्तों जो भी हमारा रीनेम है उसको चेंज करना है दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पर आपसे अगर यहीं पर चेंज नहीं करना है तो भाई आप वीडियो भी जाकर आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं दोस्तों, रीनेम को। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा ये वीडियो दोस्तों, इस पर मैं क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, रीनेम को ऑप्शन पर क्लिक करके और इसके दोस्तों यहाँ पर अन टाइटल को यहाँ पर कर देंगे कट, और यहाँ पर आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइबर इंक्रीज यहाँ पर किसी भी तरीके से आप यहाँ पर सब्सक्राइबर, जैसे कि मैं यही रहने देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा रीनेम चेंज हो चुका है दोस्तों पूरी तरीके से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर रीनेम को चेंज करना दोस्तों। यहाँ पर सेकंड नंबर पे दोस्तों बात आती है, अगर आपका दोस्तों बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं आ रहा दोस्तों, आपका वीडियो कोई भी रैंक नहीं कर रहा दोस्तों, तो यहाँ पर आप एक ट्रिक का जरूर जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ट्रिक ये है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये भी ट्रिक मैंने पहले वीडियो में बता रखी है दोस्तों, का आपको दोस्तों अपने टाइटल को टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन को दोस्तों सेम तरीके से यहाँ पर डालना होगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों मैं एक वीडियो को ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मेरा ये वीडियो बना हुआ था दोस्तों साजिद खान के ऊपर दोस्तों, डीजे वॉइस साजिद खान के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करके दोस्तों मैं इसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिखा देता हूँ।
तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, आपके हैशटैग लगे होने चाहिए और जो भी हमने टैग्स लगाए दोस्तों वो कीवर्ड्स लगे होने चाहिए दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और भाई यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों नीचे, बट दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमारा जो टैग्स है दोस्तों वो सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि हमने टैग्स लगाए थे वही यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किए, वहीं पे दोस्तों हमने यहाँ पर हैशटैग का लगाया और वहीं पे दोस्तों यहाँ पर हमने टाइटल को भी इसी तरीके से लिखा दोस्तों, जो कि हमारा मैच कर रहा है दोस्तों टैग्स टाइटल के ऊपर। यानी कि दोस्तों आपको सारी की सारी चीज़ें दोस्तों सेम होनी चाहिए दोस्तों, टैग्स में भी, टाइटल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हैशटैग भी आपके लगे होने चाहिए दोस्तों वीडियोस में, तभी दोस्तों आपका वीडियो रैंक करेगा, अच्छे तरीके से वायरल होगा दोस्तों। ये चीज़ मैंने काफ़ी पहले वीडियो में बता भी रखी है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ दोस्तों, थर्ड जो पॉइंट आता है दोस्तों हमारा वो आता है यहाँ पर वीडियो को थोड़ा छोटा बनाना दोस्तों। दोस्तों आज के टाइम पे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को गलती कर देते हैं यहाँ पर, जहाँ की दोस्तों आप 5 मिनट का वीडियो बनाते हो, वहीं पे दोस्तों यहाँ पर लोग क्या करते हैं 6 मिनट का वीडियो बनाने लगते हैं, यहाँ पर 7 मिनट का वीडियो बनाने लगते हैं, ताकि दोस्तों वीडियो वायरल हो जाए और भाई हमारा जो वीडियो पर दोस्तों अच्छा खासा वॉच टाइम आ जाए दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई, यहाँ पर काफ़ी यूट्यूबर ने ये चीज़ बताया भी कि वीडियो को थोड़ा लॉन्ग बनाओ, लंबा बनाओ, बट दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको वीडियो स्टार्टिंग में दोस्तों छोटे से छोटा बनाना है दोस्तों, जहाँ की दोस्तों आप 5 मिनट का वीडियो बनाते हो वहीं पे दोस्तों आप 4 मिनट का वीडियो बनाएं, जहीं पे दोस्तों आप 8 मिनट का वीडियो बनाते हो वहीं पे दोस्तों आप 7 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। इससे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है दोस्तों आपको वीडियो रैंक करने में दोस्तों, जहाँ कि दोस्तों आप 5 मिनट का वीडियो बनाते हो दोस्तों और आप सोचो कि यहाँ पर मैं 6 मिनट का वीडियो बना दूँ, तो दोस्तों आप जबरदस्ती को वीडियो को लंबा करोगे, जबरदस्ती को वीडियो को खींचोगे, जिससे कि आपकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और आपकी वीडियो दोस्तों क्वालिटी की बन जाएगी दोस्तों। जहाँ कि आप 5 मिनट में लोगों को समझाने वाले हो, वहीं पर दोस्तों आप 6 मिनट में लोगों को समझाओगे तो भाई लोग इरिटेट हो जाएंगे और उस चैनल से दोस्तों आपके चैनल से छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, आपके चैनल से हट जाएंगे और भाई आपकी वीडियो को स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, जहाँ कि आप 5 मिनट का वीडियो बनाते हो वहीं पे दोस्तों आप 4 मिनट का वीडियो बनाएं, जहाँ कि दोस्तों लोग उस चैनल से जुड़ जाएँ और जहाँ कि आप 5 मिनट में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो वहीं पर आप 4 मिनट में सारा कुछ समझा दें दोस्तों, ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो सके और उनका भी टाइम बच सके दोस्तों स्टार्टिंग में। और दोस्तों अगर आपका अच्छा खासा ऑडियंस बन जाता है दोस्तों, तो आप फिर चाहे यहाँ पर 6 मिनट का वीडियो बनाओ फिर 10 मिनट का वीडियो बनाओ दोस्तों, आपका वीडियो रैंक करेगा, वायरल होगा दोस्तों। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे दोस्तों आपको वीडियो छोटे छोटा बनाना है दोस्तों। तो यही कुछ 3 ट्रिक थे दोस्तों, जिससे कि आपको फॉलो करना चाहिए और इस तरीके से आप अपने अच्छे खासे सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तो बस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।